दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। चित्रकूट विधायक नीलांशु चतुर्वेदी ने आज एक विवादित बयान देकर यह साबित कर दिया है कि अभी वह राजनीति के कच्चे खिलाड़ी हैं। नीलांशु चतुर्वेदी ने जो चित्रकूट में हनुमान धारा के लिए रोपवे लगा है उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात की है। स्थानीय लोगों में उन्होंने सिर्फ चित्रकूट विधानसभा के लोगों को रोजगार देने की बात कही है, यह बहुत ही शर्मनाक बात है। एक बार नीलांशु चतुर्वेदी अगर यह कहते कि सतना जिले के लोगों को रोजगार दें, मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार दें, प्रदेश के बाहर के लोगों को रोजगार न दिया जाए तो भी उचित था। मैं इसे भी उचित नहीं मानता, लेकिन फिर भी एक लिहाज से चलिए कि प्रदेश के लोगों को, बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके। मगर नीलांशु चतुर्वेदी ने सिर्फ चित्रकूट विधानसभा की बात कही है, यह कहां उचित है? अगर सतना शहर या सतना विधानसभा के विधायक यह कहने लगे कि सिर्फ सतना विधानसभा के लोगों को ही रोजगार सतना में दिया जाए, तो यह तो जिला मुख्यालय है। यहां तो जिले भर से या जिले के बगल से अगल बगल करवी, बांदा और बुंदेलखंड के लगे हुए देवेंद्र नगर, पन्ना के लोग भी आकर यहाँ बसे हुए हैं और काम कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा? ऐसे में एक नए विवाद को जन्म देना ही कहा जाएगा। दरअसल इसके पीछे की कहानी की ओर चले तो नीलांशु चतुर्वेदी को यह लगा कि मैं क्षेत्रीय विधायक हूँ और रोपवे वाले रोपवे का शिलान्यास उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक नीलांशु चतुर्वेदी से कराएंगे। लेकिन सत्ता परिवर्तन हो जाने के बाद नीलांशु चतुर्वेदी की वह क्षमता रोपवे वालों को नहीं दिखी। ऐसे में उन्होंने पहले सतना से जो इकलौते मंत्री बनाए गए हैं रामखिलावन पटेल, उन्हें बुलाना चाहा, लेकिन रामखिलावन पटेल किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पाए और उन्होंने सांसद गणेश सिंह को वहां उद्घाटन के लिए भेज दिया। सांसद गणेश सिंह द्वारा रोपवे का उद्घाटन करना और कांग्रेस के चित्रकूट विधायक नीलांशु चतुर्वेदी का यह विरोध करना, यह राजनीतिक विरोध तो हो सकता है, लेकिन राजनीतिक विरोध को इस ढंग से सामने लाना कतई उचित नहीं माना जा सकता है। सुन लो आप मेरी बात, अगर एक भी लोकल के बाहर का कोई भी रहा तो आपकी रोप पे नहीं चलेगी। मैं नहीं जानता कुछ, चित्रकूट के लोकल लड़कों को अगर रोजगार नहीं मिला तो मेरी बात सुनो, तो आपकी रोप पे नहीं चलेगी। मैं आप सबको बिठा के इसी रोप में कलकत्ता भेज दूंगा।